हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल MFK व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे से हो गए। तो गाइस आज है सैटरडे 18 जून 2022 और आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मुंबई मेट्रो लाइन 2B को, जो स्टार्ट हो रही है DN नगर से और एंड होगी मंडाले पे, मानकुट के मंडाले पे। ठीक है, तो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस जो इस चैनल पर पहली बार आए उन लोगों में बता दूँ कि इस MFK व्लॉग चैनल पे हर महीने मुंबई मेट्रो लाइन 2B का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है, उसी के साथ सारी मेट्रो लाइंस का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है। मुंबई कोस्टल रोड फेज़ 1 का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है, जो मरीना से स्टार्ट होगा एंड वर्ली सीफेस पे एंड होगा, और मुंबई कोस्टल रोड फेज़ 2 का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है, उसी के साथ मुंबई ट्रांसफर बिलिंग का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है। तो गाइस इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और गाइज हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिए, इससे मेरे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी। ठीक है, तो गाइज अभी मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी रोड पे, और यहाँ पे देखो पूरा पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गड्ढा भी रखा जा चुका है, मतलब अच्छा खासा काम हुआ है यहाँ पर ये पैच पर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यानी मतलब जो रोड पे हूँ वो रोड का नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, उसी के साथ जो लैंडमार्क है मतलब नियर बाय जो भी एरिया है उसका मैं आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ नाम। तो हमेशा आप लोग मुझसे बोलते थे कि एक्चुअली कहाँ से गुजर रहे हो वो नहीं पता चलता था, तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर, तो कुछ और रहेगा तो हम लोग मुझे बोलना। अब यहाँ पर देखो राइट साइड में सिर्फ बैरीगेट्स वगैरह ही लगे हुए हैं, कुछ काम नहीं दिख रहा है। अब ये जो है वो है जुहू सर्कल है, यहाँ पे भी देखिए बैरीगेट्स वगैरह सिर्फ लगे हुए हैं, कुछ काम मुझे यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये रोड पे मुझे फर्स्ट पिलर अभी दिखा, यहाँ पे देखो पिलर बनाने का काम चल रहा है, अभी उसके ऊपर स्टील फॉर्मवर्क लगा के ऊपर से कॉन्क्रीटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे पिलर रेडी है, पिलर कैप और गड्ढा रखना बाकी है, सेकंड पिलर। ये देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप और गर्डर बाकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे पिलर भी रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गर्डर बाकी है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पिलर रेडी है, पिलर कैप और गर्डर बाकी है। अब यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गड्ढा रखना बाकी है।
टॉपिक्स अब थोड़ा बात कर लेते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 2B के बारे में। मुंबई मेट्रो लाइन 2B जो है वो है मेट्रो लाइन 2 जो है उसके दो सेक्शन है, एक मेट्रो लाइन ए है जो दहीसा से लेकर डीएन नगर तक चलेगी और दूसरी है मेट्रो लाइन 2B जो अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं जो डीएन नगर से मानकुट के मंडाले तक चलेगी। ठीक है, इस मेट्रो लाइन का डेपो मंडाले में बनाया जा रहा है। ये बनने के बाद 16 लाख पैसेंजर ट्रैवल कर पाएंगे डेली और इसकी जो लेंथ है ये 23.6 किलोमीटर की है। इसका जो पहला स्टेशन होगा, इस पर टोटल 22 स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन होगा डीएन नगर, उसके बाद ईएसआईसी नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावती हॉस्पिटल, कीरा नगर, सारस्वत नगर, नेशनल कॉलेज, बैंड्रा मेट्रो, MMRDA, ITO BKC, ILNFS BKC, MTNL BKC, SG बर्वे मार्ग, कुर्ला टर्मिनस, कुर्ला ईस्ट, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, BSNL, मानखुर्द, मंडाला। अब बात करते हैं मेट्रो लाइन 2B की कनेक्टिविटी के बारे में। डीएन नगर में मेट्रो लाइन 1 से जुड़ेगी जो घाटकोपर से लेकर वर्सोवा तक चलती है। ITO BKC में ये मेट्रो लाइन 3 से जुड़ेगी जो सिप से लेकर कोलाबा तक चलेगी। इसका एक एक्सटेंशन कोला टर्मिनस में होगा जो ट्रेन से ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ये मेट्रो लाइन 4 से जुड़ेगी जो थाने से लेकर वडाला तक चलेगी एंड आखिर में ये चेंबूर में मोनोरेल से जुड़ेगी जो पैसेंजर को वडाला तक लेकर जाएगी। अभी की योजनाओं के मुताबिक मेट्रो लाइन 2 का पनवेल तक एक्सटेंशन किया जाने वाला है। इसकी टोटल लागत की बात करूँ तो 10,986 करोड़ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ट्री भी कट करना बाकी है, बैरिकेड लगा हुआ है। और फ्रेंकली मैं बोलूँ तो ये मेरे को है ना, ये पैच पे है ना, ये SV रोड पे मुझे काम नहीं दिखा था, सिर्फ कहीं कहीं बैरिकेड्स लगे हुए थे और कहीं बैरिकेड्स भी नहीं लगे हुए थे। अब तक मैंने जितनी बार ग्रैंड प्रोग्रेस दिखा मुझे ऐसा ही दिखा, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे काम करते हुए दिखी मशीनरी वगैरह और यहाँ पे पाइलिंग वगैरह काम चालू है काफ़ी ज़ोरों से। अब बीच में जैसा है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, मैंने रुक के दिखाया, इसलिए यहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो रहा था बीच में। यहाँ पे दो तीन बैरिकेड्स ही लगे हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब वो एरिया लैंडमार्क वगैरह मैंने देखो स्क्रीन पे मेंशन किया है। कोई आपका सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर बताना होगा। गाइस प्लीज़ जो रेगुलर व्यूअर्स है उन लोग से ही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ वीडियो को पूरा दिखे बगैर स्किप किए। मुझे बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप लोग भी थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए, इससे मेरा वो वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, वीडियो की रीच बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो कोई बैरिकेड्स नहीं दिखा मुझे, अब यहाँ से बैरिकेड्स चालू हो गए। देखो यहाँ पे ये पिलर बनने का काम चल रहा है।
सेम स्ट्रेच पे यहाँ पे सब पिलर बनने का काम चल रहा है। यहाँ पे पिलर रेडी है, पिलर कैप और गडर बाकी है। यहाँ पे पिलर कैप लग चुका है, गडर बाकी है। अब यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गडर भी रखा जा चुका है। नेक्स्ट टाइम से मैंने डिसाइड किया है कि ये जो पैच है मैं कोशिश करूँगा संडे के दिन ही शूट करूँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जा रही है बीच में। अब यहाँ पे जो है पाइलिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गडर भी रखा जा चुका है। यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गड्ढा रखने का काम चल रहा है। यहाँ पे देखो पिलर सब रेडी है।
अभी हम लोग है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, और ये देखो राइट साइड में पिलर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे पिलर्स रेडी है, अब यहाँ पे तो पिलर्स रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गटर भी रखा जा चुका है। देखो यहाँ पे पिलर बनने का काम चल रहा है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ, और ये जो डायरेक्शन में जा रहा हूँ ये डायरेक्शन, यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे तो अंधेरी हो सब आता है। तो हमें कैसा है कि बीकेसी आना है, तो अभी हमने ये कला नगर का फ्लाईओवर ले लिया है, तो हम लोग डायरेक्ट बीकेसी में उतर जाएंगे ये ब्रिज से। अब देखो हमें राइट साइड में आप लोगों को देखो पिलर्स दिख रहे हो गए, मुंबई मेट्रो लाइन 4 के ही पिलर्स है ये सब। यहाँ पे देखो पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, यहाँ पे गर्डर बनने का काम चल रहा है। अब ये जो गर्डर है इसको बोलते हैं कास्टिंग C2 पिलर्स। ये साइड पे ही बनते हैं। देखो फिर से हमारे राइट साइड में देखो आप लोगों पिलर्स दिख रहे होंगे, पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गटर भी रखा जा चुका है। फिर हम लोग कैसा कि ब्रिज से उतर के बीकेसी में एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे सब राइट साइड में पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुके हैं। अब इससे पहले ही मैंने यहाँ पे शूट किया था ना, तो मुझे कहता है कि बैरिकेड दिखे थे और बीच में ट्रीज़ वगैरह दिखे थे, काम नहीं दिखा था कुछ। अब ये बार भी हम लोग देख लेते हैं कि काम दिखता है या नहीं कुछ। देखो यहाँ पे तो बैरिकेड लगे और ट्रीज़ वगैरह है, तो ट्रीज़ कट करना बाकी, फिर पाइलिंग करेंगे, फिर उसके बाद पाइलिंग करेंगे, फिर उसके बाद स्टील केसिंग डालेंगे पाइलिंग में, फिर उसके बाद कॉन्क्रीटिंग वगैरह करेंगे, पिलर भगने का, मतलब ये सब काम बाकी ही है अभी यहाँ पे। अब ये पैच पे तो ये दिखा आगे की तरफ, देखो सेम यही कि सिर्फ बैरिकेड लगे हुए और ट्रीज़ वगैरह भी काटना बाकी है। अब ये जो आपको बैरिकेड दिख रहा है ये मुंबई मेट्रो लाइन 3 के है, जो अंडरग्राउंड मेट्रो है जो कोलाबा से लेकर सिप्स तक चलेगी। अब ये अपनी मेट्रो लाइन 2 भी है ना, यहाँ पे ये मेट्रो लाइन 3 से भी कनेक्ट हो जाएगी। और ये कहता है कि पूरी अंडरग्राउंड है मेट्रो लाइन 3। अब यहाँ पे तो देखो बैरिकेड्स वगैरह भी नहीं लगे हुए। अब देखो बैरिकेड हम लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं।
अब यहाँ पे भी हमें फिर से बैरिगेड्स ही दिख रहे हैं राइट साइड में, उसमें ट्रीज़ है, ट्रीज़ कट करना भी नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ बैरिगेड रखा हुआ है। अब ये जो लेफ़्ट साइड में आप लोगों को ये ब्रिज दिख रहा है, ये है सेंटा कुछ चेंबूर लिंक रोड का ये काम है, मतलब जो लोग बैंडा की तरफ से आएंगे वो डायरेक्ट इस पर एंटर होके वो सीधा सेंटा कुछ चेंबूर लिंक रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, उसका ये ब्रिज दिखा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं खास। अब यहाँ से हम लोग ने ले लिया लेफ़्ट, क्योंकि अपनी मेट्रो लाइन 2 भी यहीं से लेफ़्ट लेगी। अब ये जो सामने आप लोगों को ब्रिज दिख रहा है, ये सेंटा कुछ चेंबूर लिंक रोड का ही आम है। यहाँ पे मुंबई मेट्रो लाइन 2 भी का मुझे कोई काम नहीं दिखा, किसी बैरिगेड्स देखो राइट साइड में लगे हुए और पिलर बनने का काम एक दिखा मुझे चलते हुए, तो ये सेंटा कुछ चेंबूर लिंक रोड का आम है। अब अपनी मेट्रो लाइन 2 भी राइट मारेगी यहाँ से। और यहाँ पे जो राइट में दिख रहा है सेंटा कुछ चेंबूर लिंक रोड का ही है। मुंबई मेट्रो लाइन 2 भी का मुझे कोई काम नहीं दिखा यहाँ पे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. ये सेंटा कुछ चेंबूर लिंक रोड पे यूम है, और ये जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है डबल डेकर ब्रिज बोलते हैं इसको। अब यहाँ से हमारी मुंबई मेट्रो लाइन 2 भी राइट लेगी, और यहाँ पे पैच पे मुझे कुछ काम नहीं दिखा है इसका, मुंबई मेट्रो लाइन 2 भी का। We'll go through the wastelands, through the highways.
अब देखो ये राइट साइड में जो बैरिकेड दिख रही है मुंबई मेट्रो लाइन 2B के ही है, यहाँ पे कोई काम नहीं दिखा मुझे। अब अपनी मुंबई मेट्रो लाइन 2B यहाँ से लेफ्ट ले लेगी। अब देखो यहाँ ये एस जी बर्वे में आ गए, यहाँ पे भी एक स्टेशन आएगा मुंबई मेट्रो लाइन 2B का। अब यहाँ पे ये बहुत कंजस्टेड एरिया है, अब यहाँ पे भी तो काम वाम कुछ शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू हो जाएगा तब बहुत यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाएगी। अब ये जो सामने हम लोगों को ब्रिज दिख रहा है, एक्चुअली ये आ गए हम लोग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। ये जो है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हम लोग अभी इसको क्रॉस कर रहे हैं हमें, क्योंकि अपनी मेट्रो लाइन 2B यहीं से सीधा जाएगी। और आप लोगों को मैं रोड्स के नाम और लैंडमार्क नियर बाय एरियाज़ के नाम वो सब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर मैंशन कर ही रहा हूँ। अब यहाँ से हमारी मेट्रो लाइन 2B लेफ्ट जाएगी, हम लोग भी लेफ्ट मारते हैं। अब ये रोड है, ये है साइन ट्रॉम्बे रोड है। अब ये रोड पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, अब ये स्टार्ट में थोड़ा नहीं है, बाकी आगे अच्छा काम हुआ है। लास्ट टाइम भी मैं पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे काम। अब ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, ये मोनोरेल का ब्रिज है जो चलती है चेंबूर से वो तरफ, चलती है लोअर परेल की तरफ तक। यहाँ पे देखो पिलर का काम चल रहा है, यहाँ पे पिलर रेडी है, पिलर कैप और गटर बाकी है। ये एक विलेज है यहाँ पे करीब में ही, नियर बाय घटला करके विलेज है। यहाँ पे देखिए पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गड्ढा रखना बाकी है। यहाँ पे गड्ढा रखने का काम चल रहा है।
यहाँ पे स्टेशन बनने का काम चालू है। यहाँ पे देखिए पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गर्डर भी कहेंगे बाकी। अब ये जो है ये ईस्टर्न फ्रीवे है जो सीएसटी मस्जिद बंदर की तरफ से स्टार्ट होता है और मानकोट पे यहाँ पे एंड होता है गोंडी में। ये तो अभी चेंबूर वाला है, यहाँ से लेफ्ट जाके यानी मतलब मानकोट पे गोंडी में एंड हो जाएगा ये। अब ये जो अपना ब्रिज है ना ये इसके नीचे से जाएगा, मतलब ईस्टर्न फ्रीवे ऊपर रहेगा उसके नीचे से मेट्रो लाइन टू बी जाएगी। अब यहाँ पे देखो पिलर रेडी है। अब ये तो मेट्रो लाइन टू बी का ही काम चल रहा है। यहाँ पे देखो ये पैच पूरा रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, पिलर रेडी है, गटर भी रखा जा चुका है। अब यहाँ पे भी देखो स्टेशन बनने का काम चल रहा है। अब यहाँ से अपनी मुंबई मेट्रो लाइन 2B AC ये रोड के साथ ही लेफ्ट ही मारेगी। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में आप लोगों को पिलर्स दिख रहे हैं, पिलर रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे पिलर कैप और गटर बाकी है। और यहाँ पे देखो कैप भी लग चुका है, पिलर कैप भी लग चुका है। देखो यहाँ पे पिलर रेडी है, पिलर कैप लग चुका है, गटर भी रखा जा चुका है। तो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।